आई अब। अभी कौन टा पकड़? हेलो शर्मिला जी। नमस्ते। अगो भाई एक मिनट। आई आई आपका शर्मिला जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आई आई आपका स्वागत है। आइए आप, तुम भी आए हो, कोई बात नहीं, आओ। आइए जोया जी, आइए ना, आइए। ससुमा शर्वरी के पापा है। आ गई क्या? हेलो श्रेया के दादी। आओ आओ मिस ब्यूटीफुल, पापा भी आए ना तुम्हारे? हाँ आए हैं ना, बाबा आइए। नमस्ते। आइए आइए, नमस्ते। आओ आओ जोया डार्लिंग, तू भी आया है क्या? ए रुक रुक, चिप्स का पैकेट लेके कहाँ चली है? मैं सोसाइटी के ब्रांडेड मेंबर हूँ, मुझे भी पूरा हक है बातें सुनने का। ससुमा सुमित्रा बराबर की रही है, सोसाइटी का हिस्सा है वो भी। सुमित्रा बैठो। थैंक यू शर्मिला। हेलो ऑल। मेरे ही साइड में बैठना है तुझे। ये स्पॉट मेरा फेवरेट है, क्या करूं, और ये चेयर भी एकदम मुलायम है। अपना मुंह उधर कर, सब उड़ रहा है यहाँ पे। छछंद्री कम थी जो बंदर भी आ गई। ससुमा शशि बहन बैठी है। आ बहन बैठ इधर। आती आती बहू, मैनर्स नाम का चीज है ना अंदर, चाय पानी पूछ। आप सब आराम से बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म अदरक मार के चाय करती हूँ। शर्वरी उनको बोल चाय की जरूरत नहीं है। ना शर्मिला जी, चाय की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे शर्वरी जी, आपके पापा पूरे एक साल बाद आए हैं, चाय तो लेना ही पड़ेगा। चाय के साथ मारी का बिस्किट भी है। मैं गुड्डे खाऊंगी। दोनों नहीं है। देख रही हो, सास बहु लड़ती है पर बाद में फिर एक हो जाती है। दोनों बहुत एक साथ रहती है, वो तो लोगों को दिखाने के लिए जानबूझ के लड़ाई करती है। सब ऊपर ऊपर का है दिखाने के लिए, अंदर से दोनों बहुत चालू है। ओ नो, अच्छी कितना स्ट्रॉन्ग स्मेल है भैया। भैया वो रूम फ्रेशनर है। क्या रूम फ्रेशनर है ये? हाँ भैया, वो भाभी ने उसके ऊपर का कवर निकाल दिया है, इसी की वजह से आपका परफ्यूम और वो एकदम सेम सेम दिख रहा है। ये शर्मिला भी ना। भैया आप तो ऐसा सज रहे हो जैसे आपको कोई लड़की देखने जाने वाले हो। कुछ नहीं बस ऐसे ही। हंस रहे हो भैया आप, क्या बात है? तुझे क्या करना है बॉयकट? शट अप भैया, बार बार बॉयकट कर। Oh, I got it. मुझे पता चल गया भैया। क्या? I got it. बता मुझे। मुझे पता चल गया भैया, आप इतना क्यों सज रहे हो? I got it. बता तुझे क्या समझ आया? नहीं बताऊंगी मैं, पापा आने के बाद बताऊंगी उनके सामने। जल्दी बोल तू, नहीं तो ये देखो रूम फ्रेशनर। Oh no, मम्मी। मारू क्या मारू? मम्मी, नलायक औलादो, चुप बैठो। वो बच्चे भी ना। आपके छोटे बच्चे हैं? नहीं नहीं, मेरे छोटे बच्चे नहीं है, मेरे बड़े बड़े बच्चे हैं। ये जो मेरी बहू गई, उसका पति मेरा बेटा और मेरी बेटी, दोनों भाई बहन इतने बड़े घोड़े हो गए फिर भी लड़ाई 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 करते रहते हैं। अरे शर्वरी का भी यही हाल है, ये और इसका भाई इतने बदमाशियां करते, इतने बड़े हो गए, सुधरते नहीं भाई बहन को भी। बाबा आपका बेटा जानबूझ के मुझे परेशान करता रहता है। अच्छा चुप बैठो तुम, मुझको सब पता है, दोनों भी एक जैसे हैं। चलता ही रहता है, अब क्या करें? क्या बात है, घर में बहुत चल पहले। अरे क्या आप कहाँ पे थे, मैं कितना कॉल पे कॉल कर रही थी। कौन नहीं है? भूल गए क्या आप, शर्वन के पापा है। सॉरी सॉरी, नमस्ते। नमस्ते। उम्र ज्यादा हो गई है ना, तो भूलने की आदत। Anyone need this? बाद में बोलने का नहीं, मैंने पूछा नहीं। कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। सफर कैसा रहा? आप बहुत अच्छा सफर रहा।
सॉरी यार, मुझे माफ करना, वो मैं आपको पहचान नहीं पाया। ना ना, होता है होता है, मुझे भी चेहरे याद रखना मुश्किल हो जाता है। और बताइए क्या चल रहा है? अभी तो फॉक चल रहा है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। जोया, हाँ, मैं जरा वॉशरूम होके आती हूँ। ठीक है शर्वरी। कुछ ना कुछ तो पक रहा है। क्या हुआ मिस ब्यूटीफुल, मुझे ऐसे बुलाया? श्रेया की दादी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलना। मैं जरा देख के आती हूँ, शर्मिला की चाय हुई कि नहीं, बहुत देर हो गया। देखिए, इस सोसाइटी में सिर्फ आप हो जो मुझे समझ सकती हो, यहाँ तक कि मेरे पूरे घर में मुझे कोई नहीं समझता। बस आप एक हो जिसके साथ मैं अपनी बात कर सकती हूँ। लगता है कुछ सीरियस बात है, बोल बोल। मेरे पापा रिश्ता लेके आपके पास आए हैं। पर मेरे बेटे की तो शादी हो गई, दो बच्चे हैं उसके। उरी बाबा, वैसे बात नहीं कर रही हूँ मिश्रा की दादी। दरअसल बाबा ने मेरे लिए कुछ लड़के देखे हैं और उनके फोटोज लेके वो आपके पास आए हैं आपको दिखाने के लिए। वो तो मुझे पता है, तेरे लिए रिश्ते लाए, सुन लिया था ऊपर ही। मुझे दिखाना फोटोज, जब तक मैं हाँ नहीं करूंगी तब तक हाँ मत करना। यही बात मैंने उनको बोली है, मैंने भी कह दिया जब तक श्रेया की दादी हाँ नहीं बोलेगी तब तक मैं भी हाँ नहीं करूंगी। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है। क्या? लड़का चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आपको कहना है ना ना ना। ऐसा क्यों? अगर अच्छा लड़का हुआ तो हाँ कर देने का। आप तो जानती हो मेरे सपने बहुत अलग है, मुझे कुछ करना है, ये सब बाद में देखोगे। इसलिए आप बाबा को कहोगी ना ना ना। हाँ श्रेया की दादी, आपका खूब खूब धन्यवाद। अरे क्या मिस ब्यूटीफुल, मुझे शर्मिंदा कर रही है। क्या चाय? गरम गरम चाय, गरम गरम चाय चाय। आ ससुमा, चोर चोर निकल ससुमा। माँ मैं चोर नहीं हूँ, मैं प्रवेश। अबे आप, सॉरी सॉरी बेटा सॉरी। हाँ सब कुछ नया नया पहना है, समझ नहीं पाई। सोचा आज सब कुछ नया नया ट्राई करूं। लगा नहीं ना ज्यादा? बहुत लगा। सॉरी, वैसे बहुत हैंडसम दिख रहा है। ये क्या उतर कर दिया है? ए चुप बैठ, आज मेरा बेटा लग रहा है ना मेरे जैसा। चल चल इम्प्रेशन पाड़ अपना, चल। हाँ माँ, सब समझती हूँ मैं, ये आदमी लोग कभी नहीं सुधरेंगे। हेलो, कौन रे तू? पापा है। प्रवीण, ये क्या कर दिया है? माना थोड़ा हैंडसम दिख रहा है पर हमारा ही है। He is my son प्रवीण। हेलो शर्वरी जी। हेलो रोया जी, कैसे दिख रहा हूँ मैं? हाँ श्रेया के पापा, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो। नहीं आप हंस रही है। नहीं नहीं मैं सच में बोल रही हूँ, आप अच्छे दिख रहे हो। काट दिया नाक। शर्मिला बन के दिया, मेरे पति दूसरी औरत की तरफ देखते भी नहीं। ये देखो सजदा जाके कहाँ चली। अशुरा की दादी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए ना शर्वरी के पापा। लगता है इम्पोर्टेंट बात शुरू हो गई। उकी है शर्वरी को हमारे घर के बाद आप ही हो जो इतना प्यार करती हो, उसका इतना ख्याल रखती हो। बहुत चिंता करती है वो शर्वरी की। अरे प्रवीण की इतनी चिंता नहीं करती जितनी वो शर्वरी की करती है। हाँ वो मुझे पता है। तो शर्वरी ये चाहती है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला भी आप ही लो। शादी की? आपको कैसे पता?
मिला तो शादी का ही होता है, इसलिए मुझे ऐसा लगा तो मैंने बोल दिया। अगर कुछ और है शादी की ही बात है। मैंने शर्वरी के लिए कुछ रिश्ते लाए हैं, आप एक बार देख लो। शर्वरी ने कहा है जब तक श्रेया की दादी हार नहीं बोलेगी तब तक वो भी हार नहीं बोलेगी, तो आप एक बार फोटो देख लो। दिखाइए दिखाइए दिखाइए, कब से इसका इंतजार था, दिखाइए ना, दिखाइए दिखाइए, हमको भी दिखाइए कैसे दिखते हैं दूल्हे। बस बस बस, सबको लड़के देखने का मौका मिलेगा, पहले मैं तो देखूं।